राप्ती नदी रुकी, घटने लगा जलस्तर। पिछले वर्ष आई बाढ़ की कल्पना कर लोग सिहर उठते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बड़ी तबाही हुई थी। सैकड़ों गांव जलमग्न थे, खेतों में खड़ी फसलें सब नष्ट हो चुकी थीं। एक बार फिर राप्ती नदी में बाढ़ सुनकर लोगों में बाढ़ की आशंका कौंधने लगी। आपको बता दें कि जनपद में इकलौती नदी जो नेपाल पहाड़ों से निकली है, इसको लोग प्रवासी नदी के नाम से भी जानते हैं। इधर दो दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से राप्ती नदी में उछाल आया था। साथ ही बताया जाता है कि नेपाल व उसके पहाड़ों पर भी भारी बारिश हुई, जिससे नेपाल ने पानी छोड़ा तो राप्ती नदी का जल स्तर एकदम से बढ़ गया था। राप्ती नदी पर बने बैराज की जो तस्वीरें आईं वह एक बार हैरत करने वाली थी, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में एक बार फिर बाढ़ की चिंता सताने लगी थी। सुबह के समय यमुना बहराइच रोड पर बने उल्टहवा पुल पर ज़्यादा मात्रा में पानी चारों तरफ फैलने लगा था। नदी से सीधा उल्टहवा पुल पर नदी का पानी आता दिखाई दे रहा था। इधर हरियरपुर करनपुर गांव तक पानी पहुंचने लगा था। वहीं लोगों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अब नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है। इधर मौसम भी साफ हो चुका है, परेशानी की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही जिला प्रशासन पैनी नज़र बनाए हुए है, वह हर स्थिति से निपटने को तैयार है। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने कराए जा रहे कटान निरोधी कार्य का आकस्मिक निरीक्षण कर जायजा लिया है।